देखिए कितना गुस्सा में है, लड़की से तो बहुत इसको नफरत है। देखिए कटो ऐसा लग रहा है कि फोटो नहीं खिंचवाना चाह रही है। अच्छा देखिए हाँ मैं खिंचवा के देखते हैं, अब ऐसा ही हम खिंचवा के देखते हैं, देखिए हमारे साथ कैसे फोटो खिंचा लेगी। देखिए हम इसको थैंक यू ऐसे बोलते हैं ऐसे। ये देखिए ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, बिल्कुल शानदार। यही बोल रहे हैं, काफी शोर मचा हुआ है, बहुत हल्ला हो गया है कि ये जो है इनके पिछले जन्म का जो है हो सकता है, हैं? गर्लफ्रेंड है। सही बात है, कह दिया गर्लफ्रेंड है। पता नहीं होगी, होगी। हम मान लीजिए होगी। जी जी बिल्कुल। अच्छा आप एक औरत आती है यानी लड़की आती है तो उनके काटने के लिए दौड़ती है, यानी कि लोग बोल रहे हैं कि ये पिछले जन्म के ये प्यार है। हाँ पुनर्जन्म। जी जी कुछ लोग कहते हैं, जैसे काफी लोग बोलते हैं कि पुनर्जन्म का हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड रही हो। हाँ गर्लफ्रेंड रही हो, प्यार नहीं, गर्लफ्रेंड रही हो तो हाँ तो गर्लफ्रेंड ही है, तभी इसको गर्ल से एलर्जी है। हाँ सही बोल रही है। अभी देखिए हम उत्तर प्रदेश में हैं और ये देखिए वही पक्षी है जो पूरी दुनिया में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पक्षी का नाम है सारस और ये पक्षी जो है उत्तर प्रदेश के अमेठी जिला के रहने वाले एक आसिफ गुर्जर नाम के व्यक्ति हैं, किसान हैं, देखने में तो किसान लगते नहीं लेकिन हैंडसम बॉय हैं। उनको ये पक्षी घायल अवस्था में मिली थी और उसके बाद उन्होंने इस पक्षी को इलाज कराए। पैर में जख्म जब था तो उस पैर के जख्म को ठीक किए, जब ठीक किए तो ये पक्षी जो है अब इन्हीं के साथ में रहने लगी है। ये पक्षी जब इनके साथ में रहने लगी है और लगभग एक साल से ये पक्षी जो है उनके साथ में रह रही थी, लेकिन एक वीडियो इनका वायरल होता है जब ये बाइक से जा रहे थे तो ये पक्षी जो है उनके साथ साथ ऊपर में उड़ते हुए जा रही थी। हालांकि ये पक्षी जो है वो जहां जाते हैं वहां उड़ करके चले जाता है, चाहे वो 10 किलोमीटर दूर जाए, 20 किलोमीटर दूर जाए, 30 किलोमीटर दूर जाए, वहां तक ये उनके ऊपर जो है उड़ते उड़ते उनके साथ में चला जाता है। रुकते हैं तो ये पक्षी जो है रुक भी जाती है और ये पक्षी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है। अभी यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं इनसे मिलने के लिए, इस पक्षी को देखने के लिए। और इस पक्षी के बारे में ये कहा जाता है कि ये पक्षी जो है इनका काफ़ी साथी अभी बना हुआ है, ख़ास करके अगर इस पक्षी के बीच में इनके साथ में अगर कोई गर्ल्स आती है यानी लड़की आती है तो उनके काटने के लिए दौड़ती है, यानी कि लोग बोल रहे हैं कि ये पिछले जन्म के ये प्यार है। है जी, जी, जी। इधर आइए इधर आइए। लोग ये बोल रहे हैं, बहुत शोर हुआ है, पूरा हल्ला हो गया कि ये जो है पक्षी इनके पिछले जन्म का प्यार है, इसीलिए लड़कियों से ये काफी नफरत करती है पक्षी। सही बात है। जी जी लड़की को काटती है। जी काटती है पूरा। जी पूरा एकदम खदेड़ने लगती है। जी जी झूठे नहीं बोल रहे हैं। जी सच है और हो सकता है, लेकिन हम लोग जाते हैं तो उतना नहीं, लेकिन पिछले वाला वीडियो में हमको भी काटने के लिए दौड़ा था, लेकिन खास करके लड़की इधर आइए, खास करके देखा जाए तो लड़कियों को काटने के लिए दौड़ती है। अभी मैम है, अभी ये भी रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ पर आई थी तो इनको भी काटने के लिए दौड़ रही थी। सही बात है कि नहीं, आपको भी काटने के लिए दौड़ी थी ना? ये काट लिया मुझे यहाँ, काट लिया। जाइए अब इसका इलाज, इसका इसके 12 गो सुई लगता है। नहीं नहीं इतना ज्यादा नहीं काटा है, कुत्ता पहले काटता था कैसे इंजेक्शन लगता था वैसे इसका भी इंजेक्शन बहुत काड़ा है। पहले काटता था पेट में लगता था इंजेक्शन, पेट में नाभि के चारों ओर लगता था। जी बिल्कुल। अब ये पक्षी का तो नया पक्षी है यहाँ पर हम लोग के लिए और ये काटेगा तो पता नहीं कितना इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। आसिफ जी बताइए, अब हमको ज्यादा जानकारी नहीं। अच्छा एक बात बताइए कि लड़की से इतना नफरत क्यों है इस पक्षी को? अभी तो पता नहीं, आप लोग बता दीजिए। वो थोड़ा अच्छा लगता है ना इसलिए। कितना इतना नफरत क्यों है इस पक्षी को? ये जो है हमको नहीं पता, कुछ लोग कहते हैं पुनर्जन्म का कोई वो है। हाँ पुनर्जन्म। जी जी कुछ लोग कहते हैं, जैसे काफी लोग बोलते हैं कि पुनर्जन्म का हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड रही हो। हाँ गर्लफ्रेंड रही हो, प्यार नहीं, गर्लफ्रेंड रही हो तो हाँ तो गर्लफ्रेंड ही है, तभी इसको गर्ल से एलर्जी है। हाँ सही बोल रही है। तो हो सकता है जो है, अब क्या बताएं हम इसके बारे में कुछ नहीं। वो बहुत ढेर सारे लोग पता नहीं उसको क्या है, जैसे कोई लड़की मेरे पास में आती है उसको तुरंत काटने दौड़ते और किसी को नहीं काटने दौड़ते। छोटी सी रील्स बनाने के लिए इतना पीछे छुप के बनाना पड़ा। हाँ एक बार रील्स बनाने गई थी बेचारी, बताइए इनको काटने के लिए दौड़े लगी, पीछे लुक छिपी तो पीछे भी खदेड़ना चालू कर दी। वो रील्स मुझे भेजिए, हम लगा देते हैं, ठीक है ना? वो आ रही है, देखिए देखिए लड़की के नाम सुनते हुए आ रही है। हटो हटो हटो, दिखा, देखिए देखिए कैसे आ रही है। बुलाइए बुलाइए, आ रही है, बुलाइए बुलाइए आप। आओ देखिए,
देखिए आ गई डांस के, ये देखिए इधर इधर देखो, नहीं नहीं मेरे पास मत आना, नहीं नहीं इधर देखो इधर दिखाइए थोड़ा, कटवा दें, नहीं नहीं कटवाइए नहीं, इतनी दूर से मिलने के लिए आए ना कि चोट पहुंचाने के लिए, देखिए अभी आप जाइए, आपको नहीं कुछ, हमको तो कुछ कहे, हमको नहीं, हमको कुछ नहीं करे भैया, देखिए देखिए कुछ नहीं, देखिए देखिए प्यार से करे, अब आप थोड़ा करके देखिए तो देखिए कितना तेजी से करे, नहीं करेगी वो गुस्सा में कर नहीं कर रही है, गुस्सा बहुत है, दोस्ती हो गई है हाँ, लेकिन देखिए कितना ये प्यारा है, लोग यही बोल रहे हैं, काफी शोर मचा हुआ है, बहुत हल्ला हो गया है कि ये जो है इनके पिछले जन्म का जो है हो सकता है, है? गर्लफ्रेंड है, सही बात है, कह दिया गर्लफ्रेंड है, पता नहीं होगी, होगी होगी, हम मान लीजिए होगी होगी, जी जी बिल्कुल। अच्छा आप एक सवाल के जवाब और दीजिए, देखने में तो आप किसान लगते नहीं है, लेकिन आप हल्ला मचाए हुए हैं कि किसान है, हाँ हाँ किसान है तो वही बता रहे हैं, और ना कोई मेरे पास जॉब है, पढ़ाई भी की, हमने बीए किया है, उसके बाद जो है फिर हमने कभी नौकरी या उसके लिए कभी ट्राई नहीं किया, बस घर ही पे रहने, पढ़े लिखे किसान है, हाँ हाँ पढ़े लिखे किसान है, उसके बाद जो है लकी चांस था ना मिलने के लिए इनके पास, हाँ यहाँ तो पिछले जन्म के प्यार से मिलना था, अगर आप जॉब कर रहे होते कहीं दूसरे जगह थोड़े इससे मिल पाते हैं, पता नहीं, हो सकता है कुछ भी, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मान रहे हैं हो सकता है, हाँ चलिए थैंक यू बोल दीजिए इसको, कभी सपना उपना में मतलब कि पूरा जलब का साथ है, पूरा जलब का साथ है आरिफ भाई, तो थैंक यू तो बोलते हैं, हम इसको थैंक यू ऐसे बोलते हैं, ऐसे ये देखिए ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, बिल्कुल शानदार, तो ये जो सारस पक्षी है काफी लाजवाब, कह ही नहीं सकते हैं, देखिए जंगली पक्षी होकर के जब इंसानों के बीच में इस तरीके से रहने लगे भैया, सारस पक्षी उत्तर प्रदेश की हाँ, पहचान है अभी, हाँ यहाँ का राजकीय पक्षी भी है, तो मैं बोलना ही भूल गया था, देखिए मैं बोलना भी भूल गया था, ये उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी है सारस, और इनके बीच में अभी है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है भाई के लिए, गर्व की बात है, गर्व की बात है कि आपके पास राजकीय पक्षी है, यूपी वाले के लिए भी गर्व की बात है ना, लेकिन मैम आप बगल में नहीं जा रही है, नहीं ये पकड़िएगा, देखिएगा आइए आइए, इधर आइए, नहीं काटेगा, काटेगा नहीं काटेगा, देखिए देखिए आप ऐसे आएंगे तो काटेगा ही नहीं, यहाँ खड़े होइए, अभी मुझे काट लिया तो मैं हूँ ना, नहीं काटेगा बगल में, आरिफ भाई जब तक खड़े नहीं काटेगा, देखिए कितना तेजी से दौड़ रहा है, देखिए मेरा उंगली यहाँ पर है, नहीं काट रहा है, आपका उंगली काट, बहुत एलर्जी है उसकी, गर्ल्स बिल्कुल नहीं आनी चाहिए यहाँ पे, देखिए नहीं वो कुछ तो बोल रहा है, ये बता रहा है, गुस्सा रहा है, हटा हटा गुस्सा रहा है, ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इनको हटाइए, वो का देखिए गर्ल्स को हटाइए, वही बोल रहा है, भगा रहा है क्या भैया, अब हमसे दुश्मनी हो गई है, नहीं 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 बोलना चाह रहा, कुछ कुछ कहना ही जरूर चाह रहा है पक्षी, अच्छा ये मेल है कि फीमेल अभी तक पता नहीं चला, ये तो पता नहीं है मेल है कि फीमेल है, ज्यादा जानकारी है, बिहेवियर देख करके लगता है कि वो फीमेल ही है, पता नहीं अभी तो है ना, पता नहीं सभी लोग वो बोल रहे, वो लड़का कौन है आप ही के पास का है ना, कौन ये हाँ, पीला वाला लोग, हाँ, ये बोल रहा है कि इनके पहली गर्लफ्रेंड ही है, अच्छा अच्छा तो पूछ लीजिए, ज्यादा पता होगा पूछ लीजिए ना, बस सही बात है ना, जी जी पूरा गांव में हल्ला है ना, जी ऐसा ही लगता है, पूरा गांव में हल्ला है जी, पूरा अब तो पूरे राज्य में पूरा देश में हल्ला हो गया है, और चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आप लोग को अच्छा लगा होगा, और इनका जो पुनर्जन्म का ये जो प्यार है फिर से मिल गया, ये बहुत अच्छा लगा, और आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग का भी अगर पुराना प्यार है, पहला प्यार है तो जरूर मिल जाए, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं भगवान से, ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आपका भी पक्षी के रूप में, चिड़िया के रूप में, तोता के रूप में, कुत्ता के रूप में, जो भी जानवर के रूप में मिल जाए, या इंसान के रूप में ही मिल जाए, लेकिन मिले जरूर, तो देखिए यहाँ पर उड़ा करके दिखाएंगे ये कैसे उड़ाते हैं, देखिए अभी लड़की से तो इतना नफरत करती, लेकिन ये जबरदस्ती बनवा रहे हैं वीडियो, देखिए देखिए कितना गुस्सा कर रही है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती नहीं, देखिए 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 कितना गुस्सा में है, लड़की से तो बहुत इसको नफरत है, देखिए कटो हम पकड़ लेंगे जब काटने दोगे तो, आप खड़े रहिए, देखिए वाह फोटो भी नहीं लेने दे रही है, देखिए कितना गुस्सा है, हाँ नहीं नहीं अच्छा देखिए हम जैसे ही आएंगे हमारे साथ, देखिए देखिए कोई दिक्कत नहीं है, लड़कों से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, लेकिन लड़की अब यह आप आइए, देखिए फिर कैसे करेगी, देखिए यानी कि बात बिल्कुल सच है, अरे बिल्कुल सच्चाई है कि इन्हीं का ये जो है गर्लफ्रेंड
है पुराना वाली वाह जबरदस्ती देखिए एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि फोटो नहीं खिंचवाना चाह रही है। अच्छा देखिए हम एक खिंचवा के देखते हैं और ऐसा ही हम खिंचवा के देखते हैं। देखिए हमारे साथ कैसे फोटो खिंचा लेगी देखिए देखिए हमारे साथ कितना आराम से कितना प्यार से फोटो खिंचवा रही है कितना आराम से। तो सोचिए समझिए देखिए देखिए हम छू भी रहे हैं कुछ भी नहीं दिक्कत है बात बिल्कुल सच है और ये सच्चाई जो है आप लोग के साथ आप लोग भी देखिए कितना शानदार हो गया फोटो खींचा रहा है ना। हाँ तो ले लीजिए फोटो वोटो देखिए सही बात है ना अभी हमारे साथ कितना प्यार से बात करिए और वो भी आ रही है आइए अभी आइए अभी देखिए एक और आ रही है लड़की से इनको काफी नफरत है छुप कर आ रही है लेकिन ओह प्रूफ हो गया प्रूफ हो गया पिक ले ले दो ना अभी हम करवा लेंगे कैसे ले लीजिएगा इनके साथ बहाना बोलिए तब लेने देगी सिस्टर मुझे पिक लेने दो बस सिस्टर चलिए फिलहाल इतना ही आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज़ नमस्कार जय हिंद।